प्रदेशित में अब बात करते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू की महादेव भक्ति की। आज द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। एक पार्षद से देश का राष्ट्रपति बनने के सफर में द्रौपदी मुर्मू के साथ हमेशा महादेव का आशीर्वाद रहा। शिव की भक्ति ने उन्हें हर संकट हर दुख से उबरने की शक्ति दी। शिव की परम भक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीवन में अपने आराध्य के दर्शन का ही अनुसरण करती हैं। ये भी एक संयोग है कि भगवान शिव को प्रिय सावन के महीने के पहले सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हुई थी और दूसरे सोमवार को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। मो जीवन पचे नर के पड़ी था जगत उद्धार अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। जगत कल्याण की भावना के साथ राष्ट्र की सेवा में समर्पित भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये शब्द शिव के दर्शन का ही सार है। शिव जो संयम है, शिव जो सकारात्मकता का स्रोत है, शिव जो आदि है, शिव जो अनंत है, शिव जो शक्ति है, शिव जो भक्ति है। जिस पर शिव की कृपा हो जाए वो दुख और सुख से परे हो जाता है। कठिनाइयां उसके रास्ते पर आने से कतराती हैं और आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन भारत की तीनों सेनाओं की कमांडर हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सादगी सकारात्मकता और शक्ति का स्रोत भी शिव है। शिव की कृपा ने ही उन्हें संकट से उबारा। शिव की कृपा ने ही उन्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत दी। जब द्रौपदी मुर्मू अकेले रह गईं, तब शिव उनके साथ थे। आज जब वो देश की सबसे शक्तिशाली महिला है, तब भी उन पर शिव की कृपा बरस रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति आपने देखी है। आज हम आपको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शिव भक्ति के बारे में बताएंगे। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के शिव से गहरे रिश्ते के सार को समझाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए। जब द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार बनी तो सबसे पहले वो कहां पर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने किसकी सेवा की, सबसे पहले उन्होंने किसका धन्यवाद कहा, सबसे पहले उन्होंने किसका आशीर्वाद दिया, सबसे पहले किसके सामने उन्होंने अपना शीश झुकाया, वो कोई और नहीं देवों के देव महादेव थे। 22 जून को एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना था। इसके बाद वो सबसे पहले रायरंगपुर के इस शिव मंदिर में पहुंची। एक राज्य की गवर्नर रह चुकी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन चुकी द्रौपदी मुर्मू का शिव के प्रति समर्पण देखी। सबसे पहले जब वो शिव मंदिर में पहुंची तो पुजारी से झाड़ू मांगी, पूरे मंदिर को खुद साफ किया। हाथ धुला, भगवान शिव के वाहन नंदी जो हमेशा अपने आराध्य की तरफ देखते रहते हैं, जिन्हें उनका संदेश वाहक भी कहा जाता है, उनके कानों में कुछ कहा, मंदिर की घंटी बजाई और अपने आराध्य को प्रणाम करने अंदर चली। द्रौपदी मुर्मू ने पूरे विधि विधान के साथ महादेव का पूजन किया, शिव से जीत का आशीर्वाद मांगा और इसके बाद दूसरे मंदिर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ भी द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले नंदी भगवान का आशीर्वाद लिया, शिव की आराधना की,
मंदिर से लौटकर घंटी बजाई और लौटते हुए फिर से नंदी को प्रणाम किया और मंदिर से निकल गए। द्रौपदी मुर्मू जो एक छोटे से गांव और साधारण से परिवार से निकलकर अपने जीवन के कई उतार चढ़ावों को पार करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची है, उनकी सादगी आज भी वैसी ही है, ठीक शिव जैसी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। जो दिखावे से दूर है, जिनकी सादगी मन को मोहती है, वो पहाड़ों पर निवास करते हैं। उनके शरीर पर महंगे आभूषण नहीं, वो रुद्राक्ष, सर्प और भस्म धारण करते हैं। अब देश की नई राष्ट्रपति को देखिए, शिव भक्त द्रौपदी मुर्मू ने अपने इष्ट के गुण यानी सादगी को ही धारण किया है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा। चलिए अब हम आपको बताते हैं शिव पर द्रौपदी मुर्मू की आस्था कितनी गहरी है। शिव की बड़ी भक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़ी है। द्रौपदी मुर्मू शिव बाबा का ध्यान करती है, जिसके लिए ट्रांसलाइट और एक छोटी पुस्तिका हमेशा उनके पास रहती है। द्रौपदी मुर्मू जहाँ भी रहने जाती हैं, पूजा के लिए मंदिर जरूर बनाती हैं। यानी आने वाले वक्त में द्रौपदी मुर्मू की शिव भक्ति का प्रभाव देश के राष्ट्रपति भवन में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट जिम। तो आपने हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से एक बात तो समझ ली होगी कि आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू बेहद ही साधारण जीवन जीती हैं। वैसे वो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, लेकिन बहुत ही साधारण। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब वो अवसाद में चली गई, तब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उस वक्त उन्हें राह दिखाने का काम शिव के ध्यान और उस तक पहुंचने का माध्यम बना ब्रह्म कुमारी संस्थान। आप कह सकते हैं कि जो सादा जीवन और उच्च विचार है, उसमें संस्थान की भूमिका भी काफी बड़ी है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मुसीबतें कई बार इंसान को तोड़ देती हैं, लेकिन शिव की कृपा मिल जाए तो मुसीबतें इंसान को इतना मजबूत कर देती हैं कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी जगत राष्ट्र सल्यूट पद्य। आज उनका नाम देश की ही नहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। लेकिन एक दौर था जब एक एक करके अपने असमय साथ छोड़ते गए। पहले दो बेटों और फिर पति का निधन हो गया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू अवसाद में चली गई। तब शिव बाबा और उन तक पहुंचने का माध्यम बने ब्रह्म कुमारी संस्थान ने उनको राह दिखाई। द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी संस्थान की फॉलोअर रही है। उनका जीवन कितनी विपरीत परिस्थितियों से घिरा रहा है, ये अब हम सब जानते हैं। 2009 से अपने बेटे को खोने के बाद, 2014 में अपने दूसरे बेटे और पति को भी खोने के बाद, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता अपनाया। 2009 में जब द्रौपदी मुर्मू के पहले बेटे की मौत हुई, तब वो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी। ध्यान से संबल मिल रहा था, लेकिन 2014 तक दूसरे बेटे और पति को भी खो दिया। बेहद सरल द्रौपदी मुर्मू के जीवन में एक के बाद एक बिजलियां गिर रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2009 में जैसे उनका बेटे के देहांत हुआ एक्सीडेंट के दौरान, तो फिर वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन जाने के समय काफ़ी तकलीफ में थी। तो कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था के कोई बहन हैं, उनके संपर्क में आए। 2013 में जो है फिर दूसरे बेटे जो है, और वो भी कुदरती एक्सीडेंट से ही उनका देहांत हुआ। फिर और ही उनका जो परिस्थिति है बहुत ही विपरीत हो गया, बहुत ही विकट हो गया। तो फिर भी मेडिटेशन सीखी थी, आध्यात्मिक ज्ञान ले रही थी, तो उन्होंने अपनी संतुलन को और डिप्रेशन में नहीं गई। फिर भी जो दुख तकलीफ था वो उनकी मेडिटेशन की मात्रा और ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ाव जो है और ही गहरा हो गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान से राष्ट्रपति के जुड़ाव को
इस तरह से समझा जा सकता है कि संस्थान के कार्यक्रमों में अक्सर वो नजर आती हैं। अपने नए जीवन का श्रेय भी वो ब्रह्म कुमारी को देती हैं, जिन्होंने ध्यान के जरिए द्रौपदी मुर्मू को अवसाद से मुक्त करवाया। अपनों को खोने के बाद शिव भक्ति और ध्यान से द्रौपदी मुर्मू अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आई और उन लोगों के लिए प्रेरणा बनी जिन्हें लगता है मुश्किल परिस्थितियों से लड़कर वापसी नहीं गिरा सकती। तो आध्यात्मिकता का है आधार पर और शिव बाबा की कृपा, वो हमेशा कहते हैं शिव बाबा की कृपा। शिव बाबा हम उनको कहते हैं जो सर्व आत्माओं के पिता निराकार ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग शिव है। तो जिनको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विशाल सारे भाई बहन है उनको याद करते हैं, उसी को हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से जो सकारात्मकता का जो सागर है, ज्ञान गुण शक्ति के जो भंडार है, उनके साथ जो मन बुद्धि का तार जुड़ जाता है मेडिटेशन के माध्यम से, और जो उस मेडिटेशन को हम कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठ के करना है, तो कर्म करते हुए भी कर्म योगी बन के हम कर्म करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू आज सिर्फ अपने समाज और महिलाओं के लिए मिसाल नहीं बनी, बल्कि उन्होंने हर उस व्यक्ति को दिशा दिखाई है जो निराश है, जिसका आत्मविश्वास कमजोर हो चुका है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। अब तक विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी द्रौपदी मुर्मू में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और इस मुकाम तक महामहिम को पहुंचाने वाली शक्ति शिव की भक्ति ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।